हेलो एवरीवन, आई एम वनसा रानी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड्रॉइड डिजिटल नेटवर्कर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर लिविंग क्या ये हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फॉरएवर लिविंग में जो लोगों को बताया जा रहा है वो क्या सही है या गलत है, कहीं पागल तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं लोग हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। तो फॉरएवर लिविंग जो है उसकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको किसी ने फॉरवर के बारे में बताया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फॉरवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। फॉरवर क्या है, इसमें किस तरीके से काम होता है, लोग गलत तरीके से कैसे आपको बता रहे हैं, स्कैम कैसे हो रहा है, और मैं आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, है ना। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी किसी न किसी वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है 1978 में रेक्स मून द्वारा अमेरिका में स्टार्ट की गई थी और इंडिया में आए हुए इसको 23 साल हो चुके हैं। सन 2000 में ये इंडिया में आई थी। ये कंपनी दो इंडस्ट्री को डील करती है, पहला तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरा है वेलनेस इंडस्ट्री। इसमें वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, राइट। अगर आप प्रोफाइल के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। मैं फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट की प्रोफाइल के बारे में वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है अपने चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो फॉरवर्ड लिविंग के जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यार देखिए, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप एक एग्जांपल ले लो कि अगर आपको एक कॉफ़ी की शॉप भी ओपन करनी है, आपको दूध के लिए, चीनी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप जॉब कर लीजिए ना, जॉब में फिक्स सैलरी आती है। बट बिजनेस ऐसी चीज़ है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। बिजनेस में कोई सैलरी नहीं आता है, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी आईडी में कितना टर्नओवर कर रहे हो, राइट। आप जितना सेल करोगे उतना आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा। जितनी आपकी आईडी में टर्नओवर होगी उतनी ही ज़्यादा आपको बोनस मिलेगी। तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताती हूँ कि जो इसके प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्योंकि इसको मैंने खुद ने यूज़ किया हुआ है, इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि प्रोडक्ट इसके बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट जो है ओवर प्राइस्ड है, राइट। तो यार आप ये किस बेस पे बोल रहे हो? जैसे कि मैं एंड्रॉइड का फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं आईफोन लेने जाऊँ तो क्या ये मेरे लिए ओवर प्राइस होगा? अगर हम नेक्सॉन की गाड़ी यूज़ करें और हम BMW लेने जाएँ तो क्या वो हमारे लिए ओवर प्राइस होगा? तो किस हिसाब से ओवर प्राइस की बातें होती है? देखिए, अगर आपको क्वालिटी मिल रही है तो पैसे भी लगेंगे, राइट। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। हम पिज्ज़ा खाने जाते हैं, पिज्ज़ा 70-80 रुपए में भी आ जाते हैं। अगर हम वहीं डोमिनोज पे पिज्ज़ा खाने जाते हैं तो वहीं पे आपको 200-300 1000 के भी पिज्ज़ा मिलते हैं, राइट। तो क्या डोमिनोज के पिज्ज़ा ओवर प्राइस हो गया? ये अलग बात है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो अलग बात है, क्योंकि हमें 80 का जो पिज़्ज़ा मिल रहा है, पिज़्ज़ा ये भी है, पिज़्ज़ा वो भी है, राइट। तो ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट एलोवेरा जो है कहीं पर 400-500 का भी मिल रहे हैं और कहीं पर 1500-1600 का भी मिल रहे हैं। तो ये बोलना गलत होगा कि ये ओवर प्राइस्ड है। तो उस हिसाब से अगर आप जज कर रहे हो कि ये ओवर प्राइस्ड है तो ये गलत है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने क्या रिसर्च किया है? तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप जितने भी सामान यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कोई शॉप ही क्यों ना हो, तो उसको आप रिसर्च करते हो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, या इसमें जो बोल रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं उसमें है या नहीं, आप रिसर्च करते हैं? अगर पैकेट में लिखा गया है तो वो होगा ही, क्योंकि आज के डेट में लॉ इतनी बढ़ गई है, पैकेट में कुछ भी लिख रहे हो तो वो आपको क्वालिटी देनी ही देनी है। अगर वो लैब टेस्ट में पकड़ा गया, जो भी आपने क्वालिटी लिखी है और वो नहीं है और लैब टेस्ट में पकड़ा गया, तो प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से बैन हो जाएगी, राइट। USA की कंपनी जो 168 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है, राइट, इंडिया में 2000 में आई थी, इसको 23 साल हो चुके हैं यहाँ पे,
तो फिर लोग कहते हैं प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों रखा गया है, इसको दुकानों पर क्यों नहीं बेचा जा रहा है, क्योंकि ओवर प्राइस के कारण लोग इसे ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कंपनी इसे दुकानों पर दे दे तो वही बात हो गई ना, ट्रेडिशनल तरीके से फैक्ट्री से किसी थर्ड पर्सन के पास, थर्ड पर्सन से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, लेकिन कंपनी ने यहाँ आपको डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है, राइट। कंपनी चाहती है कि पहले आप इसे यूज़ करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आगे आप रिफ़र करिए, तो इसे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हो। अगर आप कहते हो कि MLM के प्रोडक्ट बेकार होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, ओवर प्राइस्ड होते हैं, तो क्या आपने कभी MLM के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आप कैसे बोल सकते हो कि MLM के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते? या फिर आप रिसर्च करवाओ कि उसमें जो लिखा है कि इसमें 99.9% एलोवेरा है कि नहीं, अगर वो लैब टेस्ट में फेल हो जाता है तब आप बोल सकते हो कि ये गलत है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर स्कैम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जो जैसे कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फ्री होता है, तो कुछ जो टीमें होती है, कुछ जो लोग होते हैं, वो ID बनाने के नाम पर किसी से 5,000, किसी से 6,000 ऐसे अमाउंट लेते हैं, जो कि गलत है। 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते, लेकिन कई टीमें जो ऐसी हैं जो अपने बेनिफिट्स के लिए उनके मम्मी के पापा के ID लगवाकर उनको बिजनेस में ला रहे हैं, पर अभी उन बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका बिजनेस माइंडसेट है ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें। अभी उन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, प्रोडक्ट कैसे रिटेल करना है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पता है अभी कि यहाँ पर किस तरीके से स्कैम हो रहा है, राइट। तो जो लोग उनके पेरेंट्स के ID बनाकर बिजनेस में ला रहे हैं वो लोग गलत हैं। किसी भी बच्चे को मोटिवेशन देकर आप अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ गलत है, लेकिन कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। आप कंपनी की प्रोफाइल को चेक करिए, कंपनी की पॉलिसी को चेक करिए, कंपनी की रिटर्न पॉलिसी को चेक करिए, जो भी पर्सन आपको फॉरएवर के बारे में बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर मैच हो रही है तभी आप फॉरएवर को स्टार्ट करिए, राइट। अगर आप ये सोचकर स्टार्ट कर रहे हो कि आप ज्वाइन करते हो और आपको 10 दिन बाद यहाँ पर बंगला मिलेगा, कार मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ये सब मोटिवेशनल बातें हैं, राइट, ये रियलिटी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कुछ अर्न करना है तो यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आप इस मंथ कुछ ज़्यादा ही अर्न कर लिए तो नेक्स्ट मंथ आपको कुछ भी अर्न नहीं होगा, ऐसा भी होता है बिजनेस में। तो जितनी भी आप अपनी ID से सेल करोगे, जितना भी टर्नओवर होगा आपकी ID से, उतना ही आपको बोनस मिलेगा, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।